पॉइंट उठाया ना, मेरे ख्याल से सबसे पहला पॉइंट हर हर किसी के जहन में यही आता होगा ना कि कपड़े इस दफा जो है वो कौन से ट्रेडिशनल कपड़े बना के जाने कॉन्फ्रेंस में। और दूसरा ये ये भी बहुत अहम होता बात है किया कि बंदे को, और ये भी होता है कि बंदे को क्या चीज नई सीखने को मिल रही है आगे, मतलब क्या हम वहां से सीख के आएंगे, हमारे मतलब जो इश्यूज हैं अगर डिस्ट्रिक्ट के, अगर हम वहां पे हाईलाइट करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, उनका इश्यूज को लिया जाएगा ना। तो ये जहाँ मेरा तो फर्स्ट जी। ये था वेबिनार जो मैंने वो किया था, क्या कहते हैं इसमें आई थी कॉन्फ्रेंस थी कॉन्फ्रेंस 2022 की, में आई कॉन्फ्रेंस थी में आपने फर्स्ट पहली था। बार शिरकत की। जी, जी हाँ, ठीक है। मैंने पहली बार किया था। तो मैं कह रही हूँ कि कॉन्फ्रेंस में आने से मुझे अभी जो मैं प्लानिंग कर रही हूँ तो मैं उसको इस तरीके से लूंगी कि मैं अपने अगर डिस्ट्रिक्ट की कोई इश्यूज वहाँ पे अगर शेयर कर रही हूँ तो किस तरीके से उनको लिया जा रहा है और किस तरीके से मैंने उन पे बात करनी है, कैसे पार्टिसिपेट करना है और क्या मैं वहाँ से न्यू चीज़ें ला सकती हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, और यहाँ पे किस चीज किन चीज़ों की अवेयरनेस की ज़रूरत है, किन टॉपिक्स पे, तो उन पे मैं बात कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए एक लर्निंग पॉइंट था जो कि फर्स्ट टाइम मैं आई थी और मैंने लर्न जी, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया फरजाना बलोच। आप जफराबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं ना, बलोचिस्तान से? किया। जी मैम, मैं हूँ जफराबाद से, लेकिन मैं सोबतपुर को भी देख रही हूँ अभी, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, और नसीराबाद को और उसका मामा को, चार डिस्ट्रिक्ट है हमारे सोबतपुर, पास। नसीराबाद सोबत और जी हाँ, मस्तान। और उसका मामा। ये मुझे आखिरी वाले आपने जो डिस्ट्रिक्ट, अगर उसको चैट में लिख दें चारों डिस्ट्रिक्ट्स के नाम, तो मेरे लिए बहुत सहूलत हो जाएगी फरजाना। बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि हम ये भी सीखते ठीक हैं, ये भी शौक में है कि हम क्या नई चीजें सीख के लाएंगे आएंगे वहां से बाकी बहनों से, और कौन सी जो है वो अपने जिले के मसाइल को अगर हम लेके जाएंगे तो उनको सीखने का तरीकाकार भी जब हम मिल बैठते हैं तो वो सीखने को मिलता है। क्या सही बात कर रही है फरजाना? आप सब लोगों में से कोई और भी इसके साथ एग्री है फरजाना के साथ? बिल्कुल फरजाना के साथ बहुत शुक्रिया। ये एंड्रॉयड ब्लू ब्लू बर्ड भी हमारे साथ कोई मोबाइल है, प्लीज अपने आप को रीनेम करके अपना नाम डाल दें ताकि हमें पता चल सके कि आप कौन हैं। जी, आप सब लोगों को एक बार फिर पौधा पाकिस्तान की तरफ से आज की जो कॉन्फ्रेंस है, जो आपका वेबिनार है, खास तौर पे ये प्लेनरी मीटिंग है, प्लानिंग मीटिंग है 2023 की कॉन्फ्रेंस की, तो इसमें आप सबको खुश आमदेद, अपनी भरपूर शिरकत कीजिए, आप लोग हमें आरा दीजिए। आगे मैं प्रेजेंटेशन की तरफ आती हूँ तो आपके साथ उस पे बातचीत करते हैं बहुत तफसीली। इसमें स्टार्ट से आखिर तक आपका अपना वेबिनार है, मेरा तो सिर्फ एक रब्त जो है वो इसको जोड़े रखना, और दरम्यान में जब आप लोग खामोश हो जाते हैं तो जो हमारे पास मालूमात है वो आपके साथ शेयर करते रहना, मेरा रोल है एक मेजबान की हैसियत से। आपका अपना वेबिनार है, इसको ज्यादा मुअसर बनाए, इससे ज्यादा फायदा कैसे हासिल किया जा सकता है, और चूंकि हम प्लानिंग के लिए उससे पहले इतना टाइम पहले मिल के बैठ नहीं सकते कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग के लिए, फरवरी 15 को हम मिल रहे हैं ताकि हम उसका जो थीम है उसको उस पे अपने वोट दे सके, बातचीत कर सके और आगे बढ़ सके। स्क्रीन के आप सब लोगों को नजर आ रही हो गया, हो गया। है? हाँ जी, नजर आ रही है जी, स्क्रीन विजिबल है। ओके, जी। इसमें हमने जी, हमने आपने देखा होगा कि हमने डाला हुआ है आपके तमाम जो प्रोविंस है, आजाद जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, तमाम जो सूबे हैं पाकिस्तान के, उन सब का, क्योंकि हम चाहते हैं आप सबके साथ मिलके जो कॉन्फ्रेंस है उसकी 16वीं कॉन्फ्रेंस की जो है सालाना कॉन्फ्रेंस की हम मंसूबाबंदी कर सकें, उसकी तैयारी कर सकें, और इसके अंदर आप सब लोगों की जो राय है वो बहुत अहम है। ये थोड़ा सा एजेंडा है जो आज के वेबिनार के हवाले से होगा, हम ये समझेंगे जो बात हम हमेशा करते हैं कि आपको अपने नाम के साथ अपने जिले का नाम जरूर डालना है ताकि हम समझ सकें। आतिफ साहब, प्लीज आप भी अपने नाम के साथ जिला जरूर डाल दीजिए, आप आज की मीटिंग में मुझे आप न्यू मेंबर लग रहे हैं, अपने जिले का नाम और चैट बॉक्स में आप कहाँ से वो प्लीज लिख दीजिए। दही रहनुमा खवातीन का थोड़ा सा आज के एजेंडे में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हफ्तावार जो बुध मुलाकात है उसकी अब तक अफादियत, खवातीन रहनुमाओं का आपका क्या इजहार ख्याल है, और थोड़ी सी जो समरी मेरे पास होगी उस पर बातचीत करेंगे।
2023 की दई खवातीन की सालाना कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका तैयारी में 2008 से 22 तक के जो कॉन्फ्रेंस जो 15 कॉन्फ्रेंसें हुई हैं उनका उनवानात आपके सामने शेयर किए जाएंगे। फिर आप लोगों के ख्याल में जो पॉलिसी डायलॉग या जो इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेशन कह रहे हैं इस बार, जैसे वर्कशॉप का नाम दिया गया था 2022 की सालाना कॉन्फ्रेंस में, उनकी तादाद क्या हो और उनवानात आपके ख्याल में क्या क्या होने चाहिए उस पर भी आप लोग राय दे सकते हैं। कॉन्फ्रेंस जो सालाना कॉन्फ्रेंस होती है आप सब बहनों की, पाकिस्तान भर की दई खवातीन की जो सालाना कॉन्फ्रेंस होती है उसका दौरानिया कितना होना चाहिए, इस पे भी आप लोगों की हमें राय चाहिए होगी, आप सब की तजावीज और सफारशात। ये तमाम सूबे जिनको हमने पहले शो किया उन सब की तरफ से हमें आपकी आरा हमारे लिए बहुत अहम होगी ताकि हम एक बेहतर तरीके से कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग कर सकें। ये अगर हम कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएं या अपने एजेंडे की तरफ का जो पहला है, पहला पोर्शन है, हम जा रहे हैं कि पायदार तरक्की के अहदाफ। हमारा आज का जो वेबिनार है उसका मकसद आप समझ चुके हैं कि हम कॉन्फ्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं आप सबकी शमूलियत से, और ये वेबिनार के इस सॉरी स्लाइड के ऊपर आपके सामने पायदार तरक्की के अहदाफ है। इसमें कुछ अहदाफ का जो वो स्ट्रक्चर है उसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया और कुछ छोटे ही रह गए। तो ये हम 17 जो पायदार तरक्की के अहदाफ हैं उनमें से जो बड़ा आपको डब्बा होया हुआ आपको नजर आ रहा है ये वो हैं जिनके ऊपर इस साल के वेबिनार के अंदर और जो कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने मुख्तलिफ जो पॉलिसी डायलॉग या वर्कशॉप्स हुई आपकी 2022 की कॉन्फ्रेंस में, उनमें जिन पायदार तरक्की के अहदाफ के साथ ज्यादा ताल्लुक बना या जिनके असूल के लिए कोशिशें की गई वो ये हैं जो बड़े नजर आ रहे हैं। तो ये नंबर 1, 2, नंबर 3 आपको लग रहा है कि हमने इस पे बात की, अगर कोई मुझे बता सकता है क्या आपको लगता है कि हमारे जो मुख्तलिफ उनवानात वेबिनार के दौरान और जो कॉन्फ्रेंस में हमने गुफ्तगू की आपके 4 मुख्तलिफ पॉलिसी सेशंस थे उनका तल्लक, या मैं दोबारा इस टेबल की तरफ आ जाऊंगी ताकि आप दोबारा देख के इस पे आ सकें कि जी वाकई हमने इनमें कुछ ना कुछ इनके असूल में अपना हिस्सा डाला है। नंबर 1 है नो पॉवर्टी, इसके फिर सब हेडिंग्स हैं, आज हम उन सब हेडिंग्स को नहीं देखेंगे। एसडीजी पाकिस्तान की जो वेबसाइट है वो हम आपके साथ पिछले कई वेबिनार में शेयर कर चुके हैं, हम चाहेंगे कि आप वहां से जाके अब ये भी देखें कि ये पाकिस्तान के जो एसडीजी का पोर्शन है उसके अंदर तरजीह नंबर 1 है, तरजीह नंबर 2 है या तरजीह नंबर 3 है। तो इसको भी अब हमारी दई रहनुमा खवातीन को समझने की और उस पर बात करने की जरूरत है। तो नंबर 1, नंबर 2 है जीरो हंगर, भूख खा हमारे मुल्क से खात्मा होना चाहिए। नंबर 3 है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छी सेहत और बहबूद। इस पे हमने साल के वेबिनार के दौरान भी और कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इससे मुतल्लिका मसाइल को हाईलाइट भी किया है, तजावीज भी दी है और उस पे अमल दरामद करवाने के लिए करने के लिए आगाही भी पैदा की है, अपनी कोशिशें भी की है। नंबर 4 है क्वालिटी एजुकेशन, मयारी तालीम के हसूल के लिए, उसके फरोग के लिए और उसकी तरवीज व अशात के लिए भी आप सब लोगों ने भी कोशिश की है अपने अपने जगहों पे अपने अपने अजला में, और पौधा की तरफ से जो वेबिनार होते रहे हैं उनमें भी उसका तसलसल रहा है और कॉन्फ्रेंस के वर्कशॉप्स के अंदर भी इनका उनके साथ भी इसका रब्त है। जेंडर इक्वेलिटी जिसके ऊपर आप सब लोग काम कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर खवातीन मर्द व खवातीन को मसावी हकूक मुयसर होने चाहिए, उनको मसावी मौके मुयसर होने चाहिए, इस पायदार तरक्की के असूल में आप सब लोगों ने हिस्सा डाला। साफ पानी और सफाई, सस्ती और साफ तवानाई नंबर 6 और 7 है, इन पे भी किसी न किसी हद तक आप लोगों के काम के उसने कंट्रीब्यूट किया होगा या आप उसमें हिस्सा डाल, लेकिन हमने इतने वाजह तरीके से इन दोनों पे काम नहीं किया इसलिए हमने इनके साइज को छोटा रहने दिया। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बहुत बात की है कि मर्द और खवातीन और तमाम सोसाइटी के जो लोग हैं उनको डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ के जो मौके हैं वो मुयसर होने चाहिए, उस पर बातचीत भी हुई और उसके लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की अपॉर्चुनिटीज और उसके ऊपर मुख्तलिफ वेबिनार्स के अंदर भी आप लोगों ने डिस्कशन की। नेक्स्ट नंबर 10 जैसे रिड्यूस इनइक्वालिटीज है, आपको मालूम है इस पे हम हमारा अक्सर ही वेबिनार इसको लिंक करता है क्योंकि हम माशरे में जो मुसावात पर मुबनी माशरा में चाहिए और उसके लिए हम और आप सब कोशा हैं। नंबर 13 को अगर हम देखें तो क्लाइमेट एक्शन, मौसमियात से मुतल्लिक इकदामात और माहौलियाती तब्दीलियां और मौसम के मुताबिक हमें कैसे तैयार रहना है, पानी के वसाइल को कैसे बचाना है, इन तमाम चीजों के साथ भी आप लोग भी अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं और पौधा पाकिस्तान भी आपका इस पायदार तरक्की के हदफ के साथ
लिंक बनाने में और उसके असूल में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन नंबर 16, इसको भी इस पे भी काम किया गया है। और नंबर 17 जो है पार्टनरशिप फॉर द SDGs, इन तमाम पायदार तरक्की के हसूल के लिए हमें आपस में बैन अलाक्वामी इदारों को, हकूमतों को, सिविल सोसाइटी को, कम्युनिटीज को आपस में शराकत दारी की जरूरत है। इस पे हम सब बिलीव भी रखते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं। ये आपकी पिछली कॉन्फ्रेंस के 2022 के कॉन्फ्रेंस के जो वर्कशॉप्स हैं उनके टाइटल्स हैं। आप सबके लिए स्क्रीन विजिबल है, नजर आ रहे हैं? जी जी मैडम, बिल्कुल आ रही है। जी मैम आ रही है। जी जी जी, ये चार उनवानात थे जिस पे वर्कशॉप हुई। उससे पहले ओपनिंग था, फिर क्लोजिंग थी जिसमें अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन और आपकी जो करारदाद है वो पास होती है, वो सेशंस भी रहे। पिछली कॉन्फ्रेंस के थीम की तरफ जाने से पहले थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे कि अभी जो हमारा क्या आप लोग चाहते हैं कि वेबिनार के ऊपर भी 3-1 मिनट हम बात कर लें? जो अभी तक आपने पूरे अब तक के वेबिनार आप साल सवा साल से जिसमें आप लोग शामिल रहे हो, या हम डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग के ऊपर चले जाएं, जो आप लोगों की राय है उसके मुताबिक चलोगे? मैम वैसे प्लानिंग की तरफ चले जाएं तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि डेफिनेटली जब हम मशवरे करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली फिर वो टाइम लग जाएगा उन चीजों को। वेरी गुड। जी प्लीज, ये जी अजरा। हाँ मैं कह रही हूँ, जो ये अभी जो स्क्रीन पे लगा हुआ है इस पे हमने पहले ये हो चुका है ना थीम हमारा। जी बिल्कुल। तो इसमें जो मेरी की सजेशन है कि इस पे बात करें, क्योंकि अब जो जनरल इलेक्शन भी आ रहा है, ठीक है ना? ठीक है। 23 में मेरे ख्याल में हीन में इलेक्शन भी होगा, तो उसमें भी जो है कुछ हमारे जैसी खवातीन हैं जिन्होंने इलेक्शन में भी हिस्सा अपना लिए, मतलब उनके लिए वो हैं, तैयारी कर रही हैं, प्लान कर रही हैं, तो उसमें भी हम कह रहे हैं कि हम भी जो मेरी बहनें हैं इस वेबिनार में, तो हम इनके थ्रू कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमें भी सपोर्ट मिल जाएगी ना, बीइंग जी जी लीडर। तो क्या मैं कह रही हूँ इस पे थोड़ी हम बात ना करें, सबका अपना थोड़ा थोड़ा सजेशन आओ कि कैसे, मतलब बिल्कुल सही है अजरा, हम उसी पे जाएंगे। मैं आपके सामने ना 2008 से 2022 तक के जो आपकी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं दही खवातीन की, उनके थीम शेयर करती हूँ जिस पे अब तक हो चुकी है, और फिर हम इस साल की बात करते हैं कि आप लोगों का क्या प्रपोजल है उसके लिए। ठीक है, तो हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। जी, ये अगर आप देखें तो आपके सामने 2000 अब तक की जो 15 दही खवातीन की जो कॉन्फ्रेंसेज है 2008 से जिसको पौधा ने इनिशिएट किया था, उसका आगाज किया था, उससे 22 तक जितनी 15 कॉन्फ्रेंस है उन तमाम के जो थीम है ना आपके सामने है। तो पहला थीम कोई पढ़ देगा या मैं ही पढूं? दई खवातीन की इनके मसाइल के हल में फॉल शिरकत, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल वेमेन इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, कि देहात की जो खवातीन है वो अपने मसाइल को हल में खुद कैसे मुअसर तरीके से शिरकत कर सकें, जो आप सब लोग कर रहे हैं। ये 2008 का थीम था। 2009 में रिक्लेमिंग द डिग्निटी ऑफ रूरल वेमेन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में दई खवातीन के वकार को बहाल करना, उसके लिए कोशिशें की जाएं। दूसरी 2009 की जो कॉन्फ्रेंस थी उसका थीम ये था, और इसके दरम्यान में 2008 और 2009 के दरमियान में कोई खास कोशिश पौधा पाकिस्तान ने की थी जिसका एक मेजर जो है वो रिजल्ट भी मिला था। कोई मेरी बहन बताएगी क्या थी वो 2008 से 2009 के दरमियान क्या कोशिश की थी पौधा ने भी, और आप में से कुछ बहनें भी उसमें शामिल होंगी? अगर नहीं मालूम तो जल्दी से बता दें ताकि मैं बता दूं। नाहिदा, अस्सलाम वालेकुम, हिराफ लाहौर से।
पौधा पाकिस्तान में दही खवातीन के लिए पाकिस्तानी दही खवातीन के लिए दिन एक मुकर्रर करने के लिए वजीर आजम से दरखास्त की थी और 15 अक्टूबर को इस वजह से दही खवातीन का पाकिस्तान का दिन जो था वो करार दिया गया था। बहुत शुक्रिया हिरा इमाम, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। जी जो पहला साल है उसमें 2008 में पौधा ने कॉन्फ्रेंस की, पहली कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई और 2008 से 9 के दरमियान पौधा पाकिस्तान में एक राइट वो सिग्नेचर कम्पेन पाकिस्तान भर से की, बहुत ज्यादा खवातीन ने इस पे खत लिखे और वजीर आजम पाकिस्तान को उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, और एक साल के बाद पौधा के पास वो लेटर भी है, इनशाला आप लोगों के साथ भी किसी वेबिनार के दौरान शेयर करेंगे, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अगले साल 15 अक्टूबर को पाकिस्तान की देहात की औरतों का कौमी दिन भी करार दे दिया। सो इसके लिए कुछ ना कुछ आप सब के लिए एक्शंस बनेंगे, जिसको हमने अभी 2023 की कॉन्फ्रेंस से पहले बड़े अच्छे तरीके से उस पर काम करना है, ताकि अगला रिजल्ट भी हम और आप सब उसका 2010 की कॉन्फ्रेंस थी रूरल वेमेन डिजास्टर मिटिगेशन एंड पीस, दई खवातीन तबाही से बचाओ और अमन। 2010 में आपको मालूम है कौन सा बड़ा डिजास्टर उस वक्त आया था? 2010 में सैलाब आया, सैलाब 2010 में भी सैलाब आया था और पौधा ने तमाम जो है वो उसमें भी केपीके में, सिंध में और पंजाब में जो सैलाब से मुतासरा इलाके थे वहां पे बच्चों के लिए और खवातीन के लिए बहुत काम किया, और वहां से जो हमें फाइंडिंग्स मिली, फाइंडिंग्स जो हमारी यानी उस सारे काम का जो हासिल था कि हम जिन मसाइल का मुशाहिदा किया कि खवातीन, तो उसकी उसको सामने रखते हुए फिर डिजास्टर मिटिगेशन प्लान की तैयारी में और अमन के फरोग में दई खवातीन की शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए पौधा ने पाकिस्तान के तमाम सूबों में कंसल्टेशन भी की थी और इसी उन्वान पे कॉन्फ्रेंस भी की थी। 2011 की कॉन्फ्रेंस का उन्वान गजाई तहफ्फुज से अमन और तहफ्फुज तक, खवातीन का किरदार क्या होता है, देहात की खवातीन कैसे उसमें काम कर रही हैं, वो सब उसमें शामिल है। आतिफ अली कसूर से है, आतिफ मैं जरा उन्वानात से गुजर जाऊं तब मैं आपको बात करने की इजाजत दूंगी, लेकिन मेरी मीटिंग के अंदर बात करने की पहला असूल ये है कि पहली बात कोई दही रहनुमा खातून नहीं कर सकेगी और उनके बाद किसी मेरे भाई को इजाजत मिलेगी कि आप अपनी राय का इजहार कर सके, सो थोड़ा सा हौसले से हमारे साथ रहना होगा। 2012 की कॉन्फ्रेंस में थी दही औरत का सियासी मंशूर, रूरल वेमेन्स पोलिटिकल मैनिफेस्टोज मंशूर, अभी जैसे अजरा ने बात की कि जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं तो देहात की औरत की का अपना मंशूर हो और जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं वो अपने मंशूर के अंदर किस तरह से खवातीन के जो मसाइल हैं उनको दिखाएं, तो खवातीन के मंशूर के हवाले से ये उन्वान दिया गया था। 2013 की कॉन्फ्रेंस का रूरल वेमेन डेवलपमेंट पीस एंड प्लूरलिज्म, दई औरत तरक्की अमन और मजहबी हम आंगी। 2014 रूरल वेमेन डेमोक्रेसी डेवलपमेंट एंड पीस, दई औरत जमहूरियत तरक्की और अमन, इनका आपस इन सब के साथ दई खातून का कितना तल्लक है उस पर हमने बातचीत की, मुख्तलिफ सेशन हुए और काफी सारी तजावीज आपकी तरफ आई करारदाद के, काफी सारे जो चीजें हैं जिनको आप लोगों ने अपने अपने जिलों में उस पर वर्कआउट भी किया होगा। एम्पलीफाइंग द वॉइसेस ऑफ रूरल वेमेन्स फॉर डेमोक्रेसी डेवलपमेंट एंड पीस, जमहूरियत तरक्की और अमन के लिए दई खवातीन की आवाज को बढ़ाना मजबूत करना। 2016 का आपका जो उन्वान था रूरल वेमेन डेमोक्रेसी डेवलपमेंट एंड पीस, दई औरत जमहूरियत तरक्की और अमन, जमहूरियत तरक्की और अमन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये हमारे काफी सारे जो कॉन्फ्रेंस के थीम है उन्वानात है उसमें उसका हिस्सा रहा है। 2017 में रूरल वेमेन लीडरशिप फॉर डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पायदार तरक्की की जमानत, दई औरत की क्यादत जमहूरियत और पायदार तरक्की की जमानत, ये उसका उन्वान था। 2018 मेकिंग डेमोक्रेसी रियल फॉर रूरल वेमेन एंड गर्ल्स ऑफ पाकिस्तान, सेटिंग ए शेयर्ड एजेंडा फॉर एम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेस, पाकिस्तानी दई औरतों और लड़कियों के लिए जमहूरियत और तरक्की का प्रोग्राम बनाने की कॉन्फ्रेंस। 2019 का
कॉन्फ्रेंस का एजेंडा आपके सामने, सिनर्जाइजिंग रूरल वुमेन्स लीडरशिप फॉर राइट बेस्ड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, हकूक पर मुबनी तरक्की के लिए मसरूफ अमल पाकिस्तानी दही रहनुमा औरतों की कॉन्फ्रेंस। 2020 चूंकि कोविड के बाद है हमारे साथ, काफी सारे मसाइल थे तो जो हमने बहुत महदूद सतह पे किया था, रूरल वुमेन्स लीडरशिप इन क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन कोविड-19 रिस्पॉन्स गवर्नेंस एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। 2021 का हमारा था द गेम चेंजर रूरल वुमेन राइजिंग फॉर इक्विटी इकोलॉजी डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीडरशिप इन पाकिस्तान, तब्दीली का हरावल दस्ता, इंसाफ और बराबरी, मौलियाती तहफ़्फ़ुज़, जमहूरियत और माशी तरक्की के लिए रवान दवा दही रहनुमा ख़वातीन। और जो पिछले साल की 2022 की आपकी 3 रोजा कॉन्फ्रेंस थी उसका आपका थीम था रूरल वुमेन्स लीडरशिप इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड गुड गवर्नेंस, मौसमियाती तब्दीली से बचाओ और बेहतर हुक्मरानी में दही रहनुमा ख़वातीन का किरदार। जी अब हम आते हैं 2000, ये वो तमाम उन्वानात थे, इसमें अगर देखा जाए हम तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के असूल के लिए ख्वातीन का किरदार क्या हो सकता है उस पर हम काम हमने उस पर भी कॉन्फ्रेंस हुई और मुख्तलिफ तमाम जो उन्वानात थे वो आपके सामने आप उससे उसको देख चुके हैं। और 2023 के लिए अब आप सबकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ से हम शुरू करें, किसी भी एक सूबे से और फिर उसके बाद दूसरे सूबे की बारी आनी चाहिए, बारी बारी तक स्पीकर्स तमाम सूबों की तरफ जाएं। 2023 की सालाना कॉन्फ्रेंस के लिए क्या तजावीज है, उन्वान थीम क्या होना चाहिए, पिछले 15 सालों की थीम हमने देख ली। जी सबसे पहले कहां से बात होगी? हेलो हेलो, आजाद जम्मू कश्मीर से है मेरी कोई बहन इधर इस वक्त? बलूचिस्तान से मैं? हेलो हेलो नाइट। जी जी बलूचिस्तान से है, कौन बात करी प्लीज? शायदा? मैं शायदा बोल। जी शायदा बलूचिस्तान से। बिल्कुल नाइदा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं पिछले 22 के की जो हमारी थीम थी उसको जोड़ते हुए, क्योंकि हालात अभी तक पाकिस्तान के नॉर्मल नहीं हुए, जी जी, उसको हम साथ लेते हुए इलेक्शन 23 पे थीम हमारी अगर आप देखें ना तो 23 के इलेक्शन। आपका माइक बंद हो गया शायदा, माइक को ओपन करें दोबारा और बात करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। शायद इरशाद साहिबा क्वेटा से, जी बलूचिस्तान से, तब तक कोई और बहन बात कर लें। शायदा शायदा आपको मेरी आवाज आ रही है? नाहिद मेरी आवाज आई आपको? जी अभी आ गई, अभी आ गई, बिल्कुल बात कीजिए। शायदा साहिबा आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, प्लीज बात कीजिए, आपका सिग्नल शो हो रहा है कि गड़बड़ है कुछ। मेरी आवाज आई आपको? जी मुझे आई है, बात कीजिए, आवाज आ रही है। अच्छा मैंने कहा कि क्योंकि डिजास्टर अभी खत्म नहीं हुआ तो उसको भी साथ लेके चलेंगे, लेकिन 2023 में इलेक्शन सबसे अहम है जी। हम चाहेंगे कि खवातीन के मसाइल, उनकी अहमियत और इलेक्शन कमीशन से इंटरेक्शन, ये सबसे अहम चीजें हैं 23 के इलेक्शन के लिए हमें तैयारी करनी है, तो इसको मद्देनजर जरूर रखिए। ठीक है, आपका ख्याल है इलेक्शन को मद्देनजर रखा जाए और 2023 में इलेक्शन की तैयारी को सामने रखते हुए उन्वान, तो आपके ख्याल में उसके अंदर जो इलेक्शन का लफ्ज है, जो ख्वातीन की हम बात कर रहे थे हुक्मरानी का लफ्ज है, वो लाजमन विजिबल होना चाहिए, क्या आप यही कहना चाह रही हैं?
शायद आपको मेरी आवाज आ रही है जी। ओके, और कोई मेरी बहन बात करना चाहती हूँ, अपनी राय देना चाहती हूँ कॉन्फ्रेंस के उनवान के हवाले से? मुझे हैंड तो किसी का रेज नहीं नजर आ रहा। बलूचिस्तान से अब आवाज आ रही है आपकी? जी आ रही है, प्लीज। हेलो जी, जी बात कीजिए। हाँ, तो मैं ये मैंने आपको बताया ना कि हम जो हमारी थीम होनी चाहिए कि खवातीन पाकिस्तान में खवातीन का किरदार और उनकी अहमियत, और उसको उसके लिए इलेक्शन कमीशन प्लस खवातीन और प्लस अदारे, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब लोग मिलके इस पे काम करें 23 पे, ताकि हम 23 का इलेक्शन में कम से कम आप देखें कि कहने को तो है कि इतने परसेंट हैं उतने, लेकिन वो खवातीन को रास्ता नहीं देते और वो जगह देते हैं अगर पार्टी देती है जहाँ खवातीन नहीं जीत सकती। तो इन सब बातों को लेके हमें इस मसले को इस साल इस थीम में हल करना है। जी ठीक है ना, थैंक यू। जी जी थैंक यू, नोटेड, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हमने आपके पॉइंट को नोट कर लिया। बाकी मेरी बहनें मुझे बताएं भी, और अगर आप चैट बॉक्स में जो आपके आपको बेहतर उनवान लगता है उसको चैट में भी डालती जाएंगी तो वो जरा ज्यादा मुसर हो जाएगा उसका इस्तेमाल देर में। जी जी मारवी, आपका हैंड रेज है। प्लीज जी साइमा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी जी बात कीजिए। कौन बात? साइमा बतूल, आप बात करें। साइमा बात करेंगी। साइमा बतूल, नाइदा थोड़ा सा। हेलो जी जी साइमा बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? बहुत शुक्रिया नाइदा के लिए। और दूसरा ये कि मुझे तो ये सुन के और देख के बड़ा अच्छा लगा कि पौधा पाकिस्तान जो है वो इस तरह की कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन जो कि पार्टिसिपेटरी है और चारों सूबों से और सबकी शमूलियत इसमें है, तो इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स जो हैं वो और भी ज्यादा जो है ना वो फ्रूटफुल होंगे। अच्छा, बात मेरे जहन में भी एक तो डिजास्टर वाली थी, क्योंकि जैसे हम पिछली कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहे थे, खासतौर पर 2010 वाली, तो तब फ्लड आया था और अभी भी रिसेंटली हमने जो है वो फ्लड यहाँ पे फेस किया है। तो एक तो इसके हवाले से इलेक्शन वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के सिनेरियो में बात करूं तो खवातीन की जो डिजिटल सिक्योरिटी, खासतौर पे डिजिटल सिक्योरिटी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, और उसके अलावा पौधा पाकिस्तान ने कुछ साल पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था सेल्फ डिफेंस का ना, और सेल्फ वेल बीइंग का भी, तो इस तरह की चीजें भी इसमें शामिल होनी चाहिए कि मतलब जैसे वो डेवो बस में यहाँ पे हुआ मेरे डिस्ट्रिक्ट में, तो इस तरह की चीजें अगर खवातीन को कहीं भी फेस करनी पड़ती हैं, और फिर लॉ एंड ऑर्डर के जो इदारे हैं हमारे, नो डाउट पौधा की हर कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इदारों के लोग आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, सब आते हैं, लेकिन ये जो हमारी खवातीन के जो इस तरह के फियर्स हैं और इस तरह के तहफुजात हैं, इसके हवाले से भी हमें कुछ स्पेसिफिक इस पे वो करना चाहिए कि हमारी खवातीन जो हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योर फील नहीं करती। जी, इनसिक्योरिटी जो है वो कम हुए। जी जी, अदम तहफुज का जो एहसास है ताकि वो कम हो सके, आप यही कहना चाह रही हैं? अभी जी जी बिल्कुल, जैसे अब हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन ओवरऑल पाकिस्तान की है, फिर उसके साथ इतने बड़े बड़े डिजास्टर जिसने जो मतलब लोग वेल ऑफ भी थे उनको भी बहुत सारे घरों को सफाई हस्ती से मिटा दिया और इस तरह की चीजें आई, तो खवातीन तो अब तो सब मिलके भी मेहनत करें काम करें तो वो हम अपने इकोनॉमिकल सिचुएशन को सेट नहीं कर पा रहे। अगर इस तरह की चीजें होंगी तो हमारी बच्चियां किस तरह से सिक्योर फील करेंगी और किस तरह से घर से बाहर निकल के तो अपने जो माशी मसाइल हैं उन पे काबू पाएंगी, तो इनसिक्योरिटी का जो है इसमें उसको लाजमी शामिल रखें। और जैसे एक मतलब सिर्फ कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं, जैसे पौधा पहले ट्रेनिंग्स करवाता रहा है वेल बीइंग की, सेल्फ डिफेंस की, तो वो भी लाजमी करवाएं।
बहुत शुक्रिया सायमा, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डूएबल तजावीज दी। और मेरी आप सब बहनों से दोबारा इल्तमास है कि आप लोग जो तजवीज हमें दे रहे हैं उसको अगर चैट बॉक्स में लिख भी दोगे तो लिखने से जरा ज्यादा अच्छे अंदाज में वो हमारे सामने भी आ जाएगी। सबा हकीम, आपका हैंड रेस है, लेकिन आपकी तरफ आने से पहले मैं बलोचिस्तान की तरफ जाऊंगी और गलगित की तरफ जाऊंगी, दोबारा मैं आपके पास फिर पंजाब में आऊंगी। जी आसिया आसिफ, बलोचिस्तान से आप प्लीज बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम जी जी बिल्कुल, बहुत क्लियर आवाज है। आज के कॉन्फ्रेंस है प्लानिंग के हवाले से, जो 2008 से लेके अभी तक हमारी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है दही खवातीन की, अभी 2023 में जो होने जा रही है, तो उसमें मेरा अगर ये राय है कि नशा जो इस्तेमाल हो रहा है, हमारे बच्चियां बच्चे जो नशावर अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशल शीशा और ये क्रिस्टल वगैरह, इससे बहुत ज्यादा तबाही हो रही है। हमारी जो यंग जनरेशन है बलूचिस्तान की, इसमें बहुत ज्यादा तबाह हुई है। और हमारे अपने बच्चे घरों के मोहल्लों में इस तरह से इन्होंने गैदरिंग है कि बच्चे नशावर चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो शीशा वगैरह है, अगर इसके ऊपर हम काम करें और बच्चों को इसकी रोकथाम की तरफ लगाएं और अवेयरनेस दी जाए औरतों को, बच्चों को, घरों पे, तो अगर कॉन्फ्रेंस को भी इसका हिस्सा बनाया जाए, उसमें ये टॉपिक शामिल कर लिया जाए कि यंग एज की बच्चियां और बच्चे दोनों इसमें शामिल हैं जो शीशा पीते हैं, और बहुत ज्यादा उनकी सेहत मुतासर हो रही है, पूरी की पूरी फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व हैं जो डिस्टर्ब हो जाती हैं, तबाह हो रही हैं, हमारी नस्लें से तबाह हो जाती हैं। जाहिर है जो एक बच्चा जब नशा करता है तो उसकी पूरी फैमिली उसको फिर कबूल ही नहीं करती कि वो दोबारा उनके घर में आए। तो मैम अगर इनको, इस टॉपिक को भी इसमें शामिल किया जाए थीम में, और हमारे लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा मैम। बहुत शुक्रिया आसिया, हमने आपका भी जो पॉइंट है उसको, आपने बहुत अहम मसले की तरफ निशानदेही की, हमने उसको लिख लिया है अपने उसमें, तो इंशाल्लाह देखें आप सबकी शमूलियत से ही डिसाइड होना है। जी बीनिश इब्राहिम साहिबा का हैंड रेज है, बीनिश बात कीजिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? हेलो जी जी नाहिदा सलीमा बात कर रही हूँ बीनिश की मशीन से। जी मैडम जी, अच्छा वो बात हो रही थी चीजों के साथ, कौन सा टॉपिक होना चाहिए, किस तरह क्लाइमेट चेंज हमें इफेक्ट कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इन बड़े टॉपिक से हट के वो शायद हमें, हम उन पे गौर ही नहीं करते, क्योंकि अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें या नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, तो क्लाइमेट चेंज एक तरफ तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको खाता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें इसको भी कंट्रोल करने में बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सिंध का ही देखें तो कुछ स्टडीज जो हैं वो ये बता रही हैं कि सिर्फ सैलाब के दौरान में ही वहां सिंध में मतलब 70,000 इस पीरियड में बच्चे पैदा हुए हैं, और पाकिस्तान में जो हर दिन बच्चा पैदा हो रहा है माशाल्लाह से, अल्लाह करम करे हम सब पे ही, उनको जिंदगी दे, खुशियां दे, लेकिन यह है कि 18,000 से 19,000 के दरमियान तकरीबन डेली बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज, चाहे वो वाटर है, चाहे वो वुड है, चाहे वो फूड है, वो जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो वहां पे हम सबका एक बहुत बड़ा रोल है कि, और हमें उसके लिए एडवोकेसी करनी चाहिए कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है। मुझे पता है कि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे शायद हम बात करने से घबराते हैं, लेकिन अब घबराना हमें शायद आबादी के उस तूफान से भी चाहिए, आबादी के उस डिजास्टर से भी उतना ही घबराने की जरूरत है जितना के नेचुरल रिसोर्सेज से घबराने की जरूरत है। दूसरा ये था कि नेचुरल रिसोर्सेज डेफिनेटली वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं डिजास्टर्स की वजह से, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि शायद जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वही तैयार नहीं था, यानी कि जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पुल थे, इमारतें थी या कोई भी चीजें थी, वो इन चीजों को बर्दाश्त करने की उनमें सकत ही नहीं थी, क्योंकि डिजास्टर्स आने हैं या मौसम बदल रहे हैं, ये कोई हमें अचानक से तो नहीं ना पता चला, ये तो डिस्कशन शुरू हुई है कहीं 1962 से, और जिसने शुरू की थी इस पे डिस्कशन वो भी एक अमेरिकन खातून थी जिसने 1962 में आवाज उठाई, जब हम DDT की, पता है आप सबको, मुझे तो याद है DDT, खैर अब भी मिल जाती है, तो उसने उठाई थी ये आवाज कि DDT जमीन को कैसे बर्बाद कर रही है,
क्योंकि उस वक्त अमेरिका में भी इसको खेतों में स्प्रे किया जाता था। तो बात कहने की यह है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज पे बात सदियों से सालों से हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और इश्यूज हैं जिन पे हमें बात करने की जरूरत है। और मेरी सजेशन ये है कि हम ये पॉपुलेशन आबादी के कंट्रोल पे भी कहीं ना कहीं बात करें और लॉबी और एडवोकेसी करें कि जो नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो डिजास्टर प्रून हो, वो सैलाबों को क्या नाम लेते हैं, जो खुश्क साली है उसको, साइक्लोन्स को, अर्थक्वेक्स को सामने रख के तो फिर बनाए जाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैडम सलीमा, आपने बहुत अहम जो पॉइंट है उनको ऐड इन किया, और इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस आने वाली कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ सेशंस के अंदर, टॉपिक में या सेशंस के अंदर यकीनन इनको कवर करने की जरूरत है और कोशिश की जाएगी कि वो कवर हों। हैंड रेज था सबा हकीम मारवी सिंध से। मारवी आपका क्या पॉइंट है, प्लीज बात करें। साइमा अगर आपका आपकी बात मुकम्मल होगी है तो आपका हैंड जो रेज है उसको रोक लीजिए, डाउन कर लीजिए। और मारवी सिंध से है, आपका हैंड रेज है। ठीक है, आप मारवी बहुत मुबारक हो, आप लोगों ने तो सिंध कमीशन बराए हकूक नस्वा से माशाल्लाह से सर्टिफिकेट आपने, अजरा ने और कई और इदारों ने भी लिए होंगे, ये बहुत अच्छी कामयाबी की बात है। जी टॉपिक की तरफ आप क्या राय देना चाहेंगी 2023 के कॉन्फ्रेंस के लिए? थैंक यू सो मच सब, ये आपका प्यार है, आपकी मेहनत है। अच्छा, मैं इस हवाले से जो अभी ये सेमिनार हो रहा है 2023 के, उसके हवाले से मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे साइमा ने अभी बताया कि बच्चों के लिए जैसे जल्दी शादी हो जाती है, और जो सेल्फ डिफेंस के बारे में साइमा ने शायद ये बताया था कि सेल्फ डिफेंस के बारे में जो होते हैं, और फ्लड के हवाले से जो भी इस लड़कियां खासकर छोटी एज की लड़कियां जो शिकार होती है, तो कुछ साल पहले पौधा ने सेल्फ डिफेंडर की ट्रेनिंग करवाई थी, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये भी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि हम अपने विलेज में जाकर अपनी गर्ल्स को स्कूलों में ये तरबियत करवा सके। उसके अलावा अभी एक सिस्टर ने बोला कि शादी हो जाती है लेकिन बच्चे ज्यादा हो रहे, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, तो उसका रीजन यही है हमारे पास सिंध में कि छोटी उम्र में शादी हो जाती है, जैसे बच्चियां जो है थोड़ा पड़ जाती है उसके बाद फिर शादी का ही रुझान हो जाता है या अपनी मर्जी से, लेकिन शादी का ही उनका यही मकसद होता है, आगे कोई भी उनका मकसद नहीं होता। तो उनके लिए कोई ऐसे मौके होने चाहिए, सिर्फ शादी ना हो जब तक वो इतनी मैच्योर हो, कुछ बड़ी हो, तो उस हवाले से उनके लिए भी कोई गेम्स या ऐसे कोई कारोबार जिससे वो अपने जो हालात भी ठीक कर सके और जहन अपना दूसरी जगह डिवोर्स कर सके। उसके अलावा दूसरा ये था कि यहाँ पर जो औरतें हैं एग्रीकल्चर के हवाले से, उनके लिए भी कुछ ऐसा पॉलिसी और ऐसी बनाने चाहिए। और इलेक्शन के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि खवातीन को ज्यादा मौका देना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में मर्दों से ज्यादा खवातीन ज्यादा काम कर सकती है, वो हार्ड वर्कर है। मर्द तो जाकर सिर्फ ऑफिसों में बैठते हैं, बस कुर्सियों पर ही लड़ते रहते हैं, लेकिन औरतें जो हैं वो प्रॉपर काम करना चाहती हैं, वो काम करेंगी। तो उनके लिए जितना भी हो सके ज्यादा सीटें हों और मखसूस सीटें उनके लिए ज्यादा रखें, अकलियती औरतों के लिए भी। जी जी मारवी बहुत शुक्रिया, आप बहुत अहम पॉइंट रेस कर रही हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं खास तौर पे कि 2023 की जो कॉन्फ्रेंस होनी है उसका उन्वान क्या होना चाहिए आपके ख्याल में, किस बड़े एक अम्ब्रेला के नीचे, बाकी छोटे छोटे सेशंस हो सकते हैं लेकिन मेन उन्वान 2023 की कॉन्फ्रेंस का क्या होना चाहिए, उस पे अपनी राय दें। जो आप बात कर रही है इस पे तो मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर आप भी और पौधा भी इज्तमाई तौर पर उस पर कोशिश कर रहा होता है, सो उनवान के हवाले से आपकी कोई ओपिनियन है तो प्लीज हमें चैट में लिख दीजिए या उस पे बात कर लीजिए। मैं तब तक आप तब तक इस पे सोच लें, मैं जी जी सियासी समाजी तौर पर हमारी जो औरत है ना वो बहुत कमजोर है, तो उसके पावरमेंट मना होने चाहिए, उसकी डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अब सबा हकीम यंग हमारी पार्टिसिपेंट है मीटिंग की और स्पीकर भी रही हैं पिछले इस साल में एक वेबिनार में। सबा आप क्या क्या राय है प्लीज, खास तौर पे कॉन्फ्रेंस के उन्वानात के वाले से। जी वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा देखिए, जैसे अभी मेरा तो कहना ये है कि फर्स्ट अभी आसिया बता रही थी अभी, आई थिंक वो बलोचिस्तान से थी, तो के जो यंग जो हैं स्टूडेंट हैं, कह लेंगे बच्चे बच्चियां हैं, वो क्या कहते हैं ये ड्रग पे लग जाते हैं। रिसेंटली मैंने कह लें कि 3 डे की हमने वर्कशॉप अटेंड की है ड्रग के ऊपर ही ना, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हमने जानने को मिली कि किस किस तरह के ड्रग होते हैं और किस किस तरह से लिए जाते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। बट मुझे लगता है कि जो ये चीज मेरे माइंड में दो चीजें आ रही है, एक तो ये ड्रग वाला मैं जो कहने ही वाली थी उन्होंने भी कह दिया कि अवेयरनेस देनी चाहिए, और दूसरा ये कि मेंटली जो डिस्टरबेंस होती है आफ्टर डिजास्टर या कुछ भी कह लें कि मतलब जो लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना फीमेल के अंदर, तो उनको पता नहीं होता कह लें उनको, फिर उसकी कह लें कि खत्म करने के लिए स्टार्ट में ही जो की जाती है उनकी माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन ग्रूमिंग की जाती है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। एंड आई थिंक कि इस चीज को भी ऐड करना चाहिए कि जो वुमेन लीडर हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ की भी कह लें कि ख्याल वगैरह रखना चाहिए, क्योंकि एज अ बहुत शुक्रिया साइकोलॉजी सबा ये चीजें जी बहुत जी देखने को आती हैं कि जो बच्चियां होती हैं वह स्टार्ट में ही कह लें कि कोई ट्रॉमा हो गया उनकी लाइफ में तो वहीं पर स्टक होके रह जाती हैं, उनको नहीं बताया जाता कि आपने इसे निकलना कैसे है, फिर वो आने वाली जिंदगी में उनकी ऑलमोस्ट मतलब कह लें कि वो अपने जिंदगी को तबाह कर देती हैं सिर्फ एक उस टाइम पे समझाने के तौर पे, उनको नहीं समझाया जाता ताकि, और इस वजह से वो आगे जाके वो उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेंटल हेल्थ लीडर वुमेन की बहुत जरूरत है इस चीज की, ये लाजमी ऐड सबा करिएगा काइंडली। सबा बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि आप चैट बॉक्स में भी इस टॉपिक को लिख के जरूर भेज दें, ठीक है। मेंटल जी हेल्थ ऑफ इंशाल्लाह रूरल वेमेन लीडर्स या ऑफ ह्यूमंस को ऐड इन करना कॉन्फ्रेंस के टॉपिक के अंदर बहुत जरूरी है। केपीके से जी आमना सरदार है हमारे साथ, क्योंकि केपीके से अभी तक किसी बहन ने बात नहीं की। तो आमना प्लीज आपकी क्या राय है, 2023 की कॉन्फ्रेंस का उन्वान क्या होना चाहिए और किन मौजूदात पे बात होनी चाहिए। आमना सरदार गलियात केपीके, अस्सलाम वालेकुम जी, अनम्यूट कीजिए मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसे हैं सब? अल्लाह ताला सबको अच्छे हालों में रखे, और बहुत आमीन। शुक्रिया आपकी मोहब्बत से हमेशा जिक्र करती हैं, आपका बहुत शुक्रिया खास तौर पे नाहिदा जी। बहुत ही अच्छी मशवरे आ रहे हैं, बहुत अच्छी सजेशंस आ रही हैं। मेरी राय के मुताबिक जो कमिंग ईयर है इंशाल्लाह जो अभी चल रहा है, इसमें आपकी कॉन्फ्रेंस का अनवान हुनर हुनर पे होना चाहिए, और यूथ मतलब यूथ और हुनर, स्किल्स प्लस हमारे नौजवान। जैसे अभी सबा ने बात की और इनसे पहले एक और खातून ने बात की कि ड्रग्स की तरफ बच्चे जा रहे हैं, और बड़ी ये टिकटॉक की तरफ हैं, फिजूल चीजों की फिजूलियात की तरफ जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। उन बच्चों को हुनर, और ये हुनर उनको स्कूल लेवल, ये कुछ इस किस्म के हमें सिलेबस में ये चीजें इंक्लूड करनी होंगी कि उनको स्कूल लेवल पे हुनर दिया जाए। दुनिया भर में अभी आप कहीं जाते हैं तो आपसे वो एजुकेशन के बारे में नहीं पूछते, वो पूछते हैं जी आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या कर सकते हैं। तो ये चीज है, आप पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पढ़ा लिखा आजकल होना काफी नहीं है, आजकल आपके पास हुनर का होना बहुत ही जरूरी है। और यूथ अगर हुनरमंद आती है तो दुनिया देखे, चाइना में हुनर ही है, स्किल्स ही है, जिसकी वजह से चाइना, जापान और ये कंट्रीज, कोरिया इवन, ये लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। सिर्फ तालीम नहीं है, वहां पे स्किल्स भी उसके साथ हैं। तो मेरा ये होगा, मेरी ये राय होगी कि नौजवान हुनरमंद या हुनरमंद नौजवान लड़के लड़कियां जो भी, आप इसको बाकी बेहतर तरीके से एलैबोरेट कर सकते हैं, मेरा ये एक मशवरा था। और एक और दूसरी चीज जो मैं चाहती हूँ कि इस बहुत बात शुक्रिया जी। जरूर उठाई जाए, वो ये है कि क्योंकि ये रूरल वेमेन का एक फोरम है, और ये बहुत पाकिस्तान में मेरा ख्याल है वाहिद इतना बड़ा फोरम है जो रूरल वेमेन की बात करता है, दही खवातीन की बात करता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो जरई जमीन है वो कम होती जा रही है। लेजिस्लेशन करने की जरूरत है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन करने और करवाने की जरूरत है। तो ये बहुत अहम मसला है कि जरई जमीन जो है वो सारी की सारी भी रिहायशी और उसमें तब्दील हो रही है, हालांकि वो नहीं हो सकती कानूनन। तो ये मेरी दो तजावीज थी, और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच जी।
बहुत शुक्रिया आमना, बेहद शुक्रिया आपका। आपने दो हुनरमंद नौजवान और जरूरी जमीन जो कम हो रही है उसके उसके ऊपर आवाज उठाने को, उस पे लेजिस्लेशन पे और अमल दरामद पे बात करने को आपने क्या उन्वान, कॉन्फ्रेंस के उन्वान में शामिल किया जाए या सेशन में ऐड किया जाए, बहुत शुक्रिया जी। हुमा इरशाद है पंजाब से, हुमा आपने हैंड रेज किया, प्लीज बात कीजिए आप। प्लीज सबके हैंड रेज है, मैं नोट कर रही हूँ और बारी बारी सबकी तरफ आती हूँ। टाइम का ख्याल रखते हुए, मौजू के साथ जो है वो रब्ता रखते हुए प्लीज बात जारी रखिए। जी जी वाला से बात कर रही हूँ और मैं पीडब्ल्यूडी के राइट्स के हवाले से वर्किंग करती हूँ इंक्लूजन पे। कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं थोड़ा सा कहना चाह रही थी कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो लेजिस्लेशन हैं, मैं चाह रही हूँ कि वो हमारा कॉन्फ्रेंस पे कोई एक सेशन होना चाहिए जिसमें हम डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो हमारे लेजिस्लेशन हैं उन पर बात की जाए, उससे रिलेटेड जो हमारे एनजीओ के इसमें हैं या कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनको बुलाया जाए। मैं इसलिए ये बात वहाँ पर सेशन रखना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत से हमारे कानून हैं और कुछ कानून बन भी चुके हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जैसे सिंध में कानून पे रूल्स भी बन गए हैं लेकिन पंजाब में अभी रिसेंटली कानून हमारा आया है लेकिन उस पे अभी तक कोई रूल्स नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और लोगों को पता भी नहीं है। हमारे बहुत से कानून के हवाले से लोगों को पता भी नहीं है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि कॉन्फ्रेंस में एक सेशन रखा जाए जिसपे हम लेजिस्लेशन के हवाले पीडब्ल्यूडी के पे बात करें और ताकि लोगों को पता चल सके और जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा हम उस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे वर्किंग कर सकें। जो जो हमारी बहनें डिफरेंट जगहों से हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो वहाँ पे इसके हवाले से वर्किंग करवा सकें। ये थोड़ा सा मैं ऐड करवाना चाह रही थी। और एक और छोटा सा ये था कि मैं चाह रही थी कि अगर इस दफा कॉन्फ्रेंस में हम जो पीडब्ल्यूडीज, जैसे अभी हमारी एक बहन बात कर रही थी, स्किल्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं लेकिन कोई क्रिएटिविटी नहीं है, स्किल्स को यूज नहीं किया जाता, मोबाइल में बिजी या जॉब्स के पीछे अपनी वो एज को भी खत्म कर देते हैं। तो कुछ ऐसे डिसेबल जो वुमेन्स हैं जो स्किल लेने के बाद उसको यूज कर रही हैं और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं और खुद भी, तो मैं चाह रही हूँ कि ऐसे सेक्स स्टोरीज को भी वहां पे इनवाइट किया जाए ताकि ये दूसरों के लिए भी एक रोल मॉडल होंगी। ये छोटा सा एक था जो मैं इसमें करवाना चाह रही थी। हमारे साथ बहुत शुक्रिया, आपकी बात छोटी नहीं है, बहुत अहम है। आप खसूसी खसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद जो है उनके मसाइल का तस्करा कर रही हैं, उनकी लेजिस्लेशन क्या है उस पर तस्करा, उस पर बातचीत होना कॉन्फ्रेंस में जरूरी है। और उसके साथ ही ऐसे अफराद जो स्पेशल होने के साथ साथ अपने हुनर के इस्तेमाल करके अपने लिए बेहतर काम कर रहे हैं, माशरे के लिए एक अच्छी मिसाल है, उनको भी मदद करने की बात आप कर रही हैं, तो उसको भी हमने नोट कर लिया है। अगर आप चैट बॉक्स में भी लिखना चाहें तो जरूर लिख दें, वो ज्यादा रिटर्न फॉर्म में आपकी तरफ से आ जाएगा। बेशक हम आपकी गुफ्तगू सारी को भी नोट किया जा रहा है। नबीला असलम साहिबा का हैंड रेज है, नबीला प्लीज बात कीजिए। सायरा मैं बिल्कुल आपकी तरफ आ रही हूँ, सायरा नशारी थोड़ी देर में। नबीला को मैंने बोला है, उनका भी हैंड काफी रेज था। नबीला आप सुन रही हैं मुझे? हेलो हेलो जी जी नबीला असलम आपने हैंड रेज किया हुआ है, मैं कह रही हूँ आपने बात करनी है अभी तो प्लीज बात कर लीजिए। सायरा लाशारी आप बात कर लें प्लीज। नबीला शायद उसके बाद फिर आ जाती हैं, अभी शायद मुझे सुन नहीं पा रही। जी जी प्लीज बात करें सायरा। हाँ जी नहीदा जी, मेरा एक पॉइंट था कि हम बात कर रहे हैं कि रूरल वुमन की जो है वो मेंटल हेल्थ की, नहीदा जी रूरल वुमन के साथ साथ जो हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो बच्चियां पढ़ रही हैं, सही है। अभी पिछले दिनों आप सब लोगों ने सुना होगा लाहौर में एक वाकया हुआ था, सही है, कि एक सब तीन चार बच्चियों ने जो है वो एक बच्ची को जो है वो मिलकर के नशे की लत लगाने की कोशिश की। कल यहाँ हमारे हैदराबाद के अंदर
बहुत बड़ा ब्रांड है सिटी स्कूल, सही है, बीकन हाउस की ब्रांच है, उसमें जो है एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया है, सही है। तो नहीता जी, ये जो हम मतलब बच्चियां हमारी पढ़ रही है, जो हमारी नई नस्ल जो आने वाली है, सही है, उसमें भी देखिए एक लम्हा फिक्रिया है हम सबके लिए कि आखिर ये क्या चीजें हैं, ये मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से जो है वो चीजें इतनी जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं, क्या चीजें हो रही हैं, हम हमारे स्कूलों में क्यों नहीं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कुछ काम किया जाता कि ताकि बच्चियां जो है वो इधर उधर नशे से और जो है वो ब्लैकमेलिंग से बच सकें। एक पॉइंट ये भी होना चाहिए हमारी इस साल की कॉन्फ्रेंस के अंदर। जी बहुत शुक्रिया, आपने कहा है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर सेशन होना जरूरी है, ठीक है, दोबारा हम आपकी तरफ आएंगे तब, और चैट बॉक्स में प्लीज लिख दें कि ऐड दिस सेशन इन कॉन्फ्रेंस एजेंडा 2023, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। नबीला असलम, आपका अब आप बात कर सकती हैं, मैंने पहले भी आपको दावत दी है, आपका हैंड रेज है काफी देर से। फरजाना अशरफ, आप बात करें। जी बुशरा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं फरजाना अशरफ यूनाइटेड की तरफ से सजेशन दूंगी, क्योंकि हर साल हमारी मैडम कॉन्फ्रेंस होती है देही खवातीन के नाम पे ना, तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर में 75% खवातीन जो है वो काम कर रही हैं, और बाकी मुझे उनकी परसेंटेज का तो सही अंदाजा नहीं है, जो हमारी जैसे मुख्तलिफ ऑफिसेज में जैसे फूड सिक्योरिटी होगी या क्लाइमेट चेंज हो गया या बाकी जो इदारे हैं वहाँ पे हमारी जो खवातीन काम कर रही हैं, इसी तरह से मिनिस्ट्री में भी कुछ औरतें होंगी जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में जो 2023 की कॉन्फ्रेंस का उन्वान होना चाहिए वो होना चाहिए कि देही किसान फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज के फायद और इसके असरात, क्योंकि उसमें फिर सारी चीजें आ जाएंगी। और बाकी जितनी बहनों ने ये जो इश्यूज किए हैं कि कम उम्र की शादी होगी, हेल्थ का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया और क्लाइमेट का हो गया, ये सारे उसमें सेशन होने चाहिए, क्योंकि हमारे 5 सूबे हैं, अगर हम लोग अपने सेशन में अपनी कॉन्फ्रेंस में सूबे वाइज चीजों को कर दें, अगर हमारे 5 सेशन होते हैं तो हर सेशन में एक सूबा हो, और जो जो इन्होंने बताया कि अगर हमारे दिन में 4 सेशन होते हैं तो 4 मेजर चीजों के ऊपर बात की जाए हर सेशन में, फिर वो हमारा एक जो है जैसे कम उम्र की शादी का है सेशन, तो वो हमारा पूरा हो जाएगा उसमें। इससे ये भी होगा कि जो हमारे मिसाइल हैं, फर्ज किया कि चकवाल में अगर कम उम्र की शादी के केसेस ज्यादा हैं, तो अगर पंजाब में से इसको किया जाएगा तो वो ये होगा कि पंजाब में इतने परसेंट ये चीज हो रही है, क्योंकि वहां पे जो मिनिस्ट्री के लोग हैं वो भी होते हैं उसपे, तो इस तरह से ज्यादा चीजें हाईलाइट होंगी, क्योंकि मसले तो सारे सूबों के एक जैसे ही है, अगर हम लोग एक सूबे की बात करेंगे तो वो सारी बातें सारे उसमें आएंगे, और फिर वहां पे जो दही हमारी रहनुमा खवातीन बैठी हुई होती हैं, उनके जो सवाल और उनके जवाब जो उनको मिलेंगे वो ज्यादा मेरे ख्याल में उसका ज्यादा फायदा होगा। और दूसरी सजेशन मैं ये देना चाहूंगी कि हमारी बहुत सारी रहनुमा खवातीन जो 2008 से हमारी कॉन्फ्रेंस में आ रही हैं और मुख्तलिफ तरीकों से शामिल हो रही हैं, तो जो हमें नहीं रही रहनुमा खवातीन, और जैसे जमाली साहब फोत हो गई हैं, हमारी एक और नसरीन अवान थी वो फोत हो गई हैं, इस पे हमें उनके लिए एक सेशन रखना चाहिए फर्स्ट में कॉन्फ्रेंस के, कि हम उनको खिराज तहसीन पेश कर सके जो उनके काम हैं। इससे ये भी होगा कि जो बाकी हमारी खवातीन आती हैं उनको भी होगा कि ये हमारी कॉन्फ्रेंस है, हमने इसमें एफर्ट की थी किसी ना किसी तरीके से, और हमारे जाने के बाद जी मतलब हमें याद रखा जाएगा इन चीजों में। तो मेरे ख्याल में इस तरह से हमारी कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ भी हो जाएगी पिछली कॉन्फ्रेंसों से और ज्यादा अच्छा भी हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम नाहिदा, मेरी आपको आवाज आ रही है? जी बड़ी क्लियर आ रही है। बहुत शुक्रिया। मैं ना बस फरजाना जो है उनकी बात में ये ऐड करना चाहती हूँ कि पंजाब के अंदर जो कम उम्र की शादी है वो एक बड़ा गंभीर मसला है, यानी कि जो हमारे अदादो शुमार हैं उसके मुताबिक कम अज कम 100 में से 4 लोग 15 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादी करते हैं। अच्छा, ये मैं बात कर रही हूँ उन चीजों की जो कि रिपोर्टेड है और जो फिगर्स कहीं ना कहीं हुकूमती जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी अवेलेबल हैं, लेकिन इससे ज्यादा ये मसला है और उसकी वजह से जो उनकी सेहत के ऊपर जो उसके असरात पड़ते हैं, जैसे कि अभी हम एक फील्ड ट्रिप में गए तो पता लगा कि एक अगर बच्ची 18 साल की है तो उसकी 6ठी डिलीवरी थी, तो आप ये देखें कि उसकी शादी कब हुई होगी और उसकी अपनी सेहत जो है वो किस जगह पर होगी। तो हमें कम उम्र की शादी के हवाले से जो उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स हैं
औरतों के और बच्चियों के, और जिसके हवाले से ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है, उसके ऊपर एक अच्छा भरपूर हम सेशन रखें, क्योंकि छोटी बच्चियों के साथ शादियां जो हैं ये डोमेस्टिक अब्यूज और वायलेंस की भी तरगीब देती हैं। छोटा बच्चा है जिसने बचपन तो देखा ही नहीं है, और उसको वो जो है हम एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी तैयारी के बगैर दे देते हैं, जिसके ऊपर इवन अगर पढ़ी लिखी और बड़ी खवातीन जो हैं, थोड़ी सी बड़ी उम्र की मैच्योर लड़कियां भी उसको संभाल नहीं सकती, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो हम एक बच्चे को उसके अंदर धकेल देते हैं और पूरी सोसाइटी उसमें शामिल होती है, इर्द गिर्द के लोग, माँ बाप। तो हमें जरूरत है कि इसके ऊपर एक हम भरपूर सेशन करें, क्योंकि इसकी वजह से उनकी जो जहनी, जिस्मानी और दिमागी जो उनकी है हेल्थ, वो बहुत मुतासिर होती है। तो इसके हवाले से मेरी यही एक सिफारिश थी कि हम एक बड़ा भरपूर जो है सेशन रखें और मुतालबा करें हुकूमत से, जो हमारी दही खवातीन हैं, कि पंजाब जो है, जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर बच्चियों की उम्र भी लड़कों के बराबर हो, यानी कि 16 से 18 साल हो, क्योंकि जो हमारा कानून है शादी का, उसमें लड़कों की कम अज कम शादी की उम्र 18 साल है और बच्चियों की कम अज कम शादी की उम्र 16 साल है। तो मेरा ये कहना है कि दोनों ही बच्चे हैं, तो वैसे तो इससे थोड़ी सी ज्यादा ही हो दोनों की, लेकिन अगर कम अज कम शादी भी देखें तो हमारे जो मुल्की कवानीन हैं उनकी रोशनी में हम लोग इसको आगे लेके जाएं कि एक बच्चा जब 18 साल से पहले वोट नहीं दे सकता, इस काबिल नहीं है कि वो किसी फैसला साजी में शामिल हो सके, इस काबिल नहीं है कि वो 18 साल से पहले सड़क के ऊपर एक छोटी सी गाड़ी चला सके, तो वो कैसे एक बच्चा जो है पूरे घर की जिम्मेदारी, कुंबे की, आने वाले नस्लों की, उनकी कैसे उठा सकता है। तो हमें इसके ऊपर सबको बड़े यानी के मुतहिद तरीके से आवाज उठानी चाहिए, और इसमें पौधा की जो कॉन्फ्रेंस है वो एक बहुत बड़ी यानी के आवाज को मजबूती से ऊंचा करने की एक जगह है, जहां से सब औरतों की बात होती है। तो वो लोग जो अपनी बात नहीं पहुंचा सकते ये इक्तदार के ईवानों में, उनकी आवाज हमें पहुंचानी चाहिए। वो उनकी जिंदगी तो एक दफा मिली उनको, उन बच्चों को, तो आप देखें कि उनको हमने किस तरफ कर दिया, तो उसके लिए बात करने की जरूरत है। यानी कि कम उम्र की शादी, रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, और उसकी वजह से जो हमारी आबादी के अंदर जो एक बेपना इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, जमीन कम होती जा रही है, पानी कम होता जा रहा है, फसलें कम होती जा रही हैं, अनाज कम होता जा रहा है, तो उसको हम लिंक करके एक बहुत अच्छा अगर कर सकें सेमिनार सेशन, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी इस मुतालबे के साथ कि पंजाब में दोनों के लिए शादी की उम्र बच्चे और बच्ची के लिए बराबर हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नबीला असलम सरमा, आपका पॉइंट बी नोट हो गया। और मैं चाहूंगी, काफी देर से हैंड रेज़र माजबीन बलोच कलात बलोचिस्तान से, जी माजबीन आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरी तमाम बहनें जिन्होंने अभी थोड़ा सा लेट मुझे ज्वाइन किया, इस वेबिनार को ज्वाइन किया, आप सबको आपके अपने वेबिनार में, आपकी अपनी कॉन्फ्रेंस की तैयारी के सेशन में खुश आमदीद। जी माजबीन बात कीजिए, अनम्यूट करें अपने माइक को और बात कीजिए। माजबीन बलोच कलात बलोचिस्तान। जी नाइता साहिबा, मेरी ये सजेशन थी कि जैसे सबा ने बात की मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो मैं ये चाह रही थी कि हम जब बात करें वेल बीइंग की, तो वो ओवरऑल वेल बीइंग की हो, जिसमें हम हेल्थ को भी देखें, उसमें इमोशनल इश्यूज को भी देखें, मेंटल इश्यूज को भी देखें, और फिजिकल जो भी ख्वातीन को पेश आ रहे हैं, जैसे अभी हमारी साथी ने कहा SRHR के हवाले से, तो ये ओवरऑल जो है वेल बीइंग के बारे में बात होनी चाहिए कि औरत सबसे पहले खुद को पहचाने और ये देखे कि वो खुद कैसी है, वो ठीक है, वो उसकी क्या कंडीशन है फिजिकली मेंटली, वो किस हद तक सरवाइव कर सकती है। तो एक तो इस चीज पर सेशन जरूर होना चाहिए सेल्फ अवेयरनेस पर, और ओवरऑल जो हमारे पास वेल बीइंग है इस पर, और सेकंड ये कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की जो अपॉर्चुनिटीज हैं रूरल वुमेन को,
किस तरह से वो आगे जा सकती है, वो एक घर से जो है वो अपना काम निकाल के कहाँ तक पहुंचा सकती है, इसके हवाले से अगर हम कोई गाइड कर सकें ख्वातीन को और इस हवाले से सेशन हो तो वो बहुत बेहतरीन होगा। थैंक यू। वाजबीन, अभी आपने जो दूसरा पॉइंट किया उसको जरा रिपीट करेंगे। आई एम सॉरी, मैं उसको जी जी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रही थी कि अगर एक रूरल वुमेन को पता होगा कि वो अपना काम, जैसे हम मिडल मैन को बीच में से निकाल दें और ख्वातीन खुद अपना काम जो है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकें, इस हवाले से कोई अगर सेशन। थैंक यू। जी जी बहुत शुक्रिया, ये इसको भी सेशन में ऐड किया जा सकता है। और मेरी कोई बहन जिसने बात करनी हो, मुझे कोई हैंड रेज अभी नजर नहीं आ रहा। मैं जबीन है, उसके अलावा अमरीन गुल जमाली है हमारे साथ, नसीना साहब है, बिस्मिल्ला, इरम साहब है। बिस्मिल्ला, आप क्या कहना चाहेंगी 2023 की कॉन्फ्रेंस की तैयारी के हवाले से, उनवान क्या होना चाहिए अभी करंट 2023 का उसको सामने रखते हुए? जी थैंक यू नाहिदा और पौधा की सब बहनें, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो पौधा के शुक्र गुजार हैं कि दही खवातीन से राय ली जा रही है कि हम आपके लिए जब बात करें काम करें तो आप क्या सोचती हैं। एक्सीलेंट। और फिर हर सुबह से राय ली जा रही है। मैं जो अभी सब बहनों की बात सुन रही थी, तो एक तो इस बात पे तो हमें फोकस करना चाहिए कि हमें दही खवातीन की सेहत पे फोकस पहला हमारा होना चाहिए। उसमें पॉपुलेशन का इशू भी आ रहा है, मेंटल हेल्थ का इश्यूज भी आ रहा है, अर्ली मैरिजेस का भी, स्पेशल पर्संस की हेल्थ के हवाले से भी। और दूसरा हमें हेल्थ के टॉपिक को तो जरूर, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात भी सेहतों पर जो पड़ रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तमाम कामयाबियों के लिए जरूरी है कि मुल्क में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो और उसको हम लिंक करें कि जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है तो कहाँ कहाँ मसाइल हैं, प्लानिंग में कहाँ मसाइल हैं, इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ मसाइल हैं, दही खवातीन को कैसे कौमी धारे में शामिल नहीं किया जा रहा। और एक चीज जो मैं समझती हूँ कि डिजिटल लिटरेसी के हवाले से हमें फोकस करना चाहिए, और खास तौर पे दही खवातीन को अब तक जितनी भी हेल्पलाइंस इंट्रोड्यूस हुई हैं उनका इस्तेमाल, वुमेन सेफ्टी एप्स, आपके मुल्क में जितनी भी लेजिस्लेशंस हुई हैं उनसे फायदा उठाने के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आप अर्ली मैरिजेस के लिए कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं अगर कहीं पर कोई ऐसा वाकया हो रहा है, आपको सेहत के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप किस तरह से हेल्पलाइन से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पॉपुलेशन की बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिसमें वो मुख्तलिफ हेल्पलाइंस के थ्रू घर बैठे गाइड कर रहे होते हैं, तो हेल्पलाइंस के हवाले से और जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है उनको लिंक करके सेहत के साथ और लोकल गवर्नमेंट पे फोकस करें। 2023 का जो जमहूरियत को हम फोकस करें कि अगर इलेक्शन हो तो लोकल गवर्नमेंट के भी हो, और दही जो रहनुमा हैं वो उसके लिए बकायदा तौर पर कंपेन चलाएं, और उस कंपेन पे जो है वो जब हमारी कॉन्फ्रेंस हो तो उस पे एक सॉलिड रीजन और अदादो शुमार और वो सब चीजें सामने आनी चाहिए कि हम इस वजह से बात कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बगैर हम शायद अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, अदादो शुमार यही बता रहे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाह इरम साहिबा, आपने भी लोकल गवर्नमेंट को दरमियान में रखते हुए विमेन एम्पावरमेंट के साथ तमाम हेल्पलाइन जो आपके विमेन सेफ्टी है और हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे जो मुख्तलिफ हेल्पलाइंस अवाम को अपने तक राबता करने में अपने मसाइल की निशानदेही करने के लिए बताते हैं, ये तमाम जो मालूमात है जब तक ये खवातीन के पास नहीं होंगी यकीनन वो आगे नहीं बढ़ सकती, तो इनका और खवातीन का रबते को मजबूत करने में और उनकी फिंगर टिप्स पे होने में, लिखी हुई शक्ल में या जैसे भी है, इसके ऊपर एक काम करने की तरफ आपने उसकी ज्यादा निशानदेही की है। और कॉन्फ्रेंस के अंदर लोकल गवर्नमेंट
को खास तौर पे, चूंकि ये इलेक्शन का साल है, इससे पहले भी एक शायद अरशाद साहिबा ने भी इसी पे बात की है कि जनरल इलेक्शन और लोकल बॉडी के इलेक्शन है, तो इलेक्शन वाला जो पोर्शन है, जमहूरियत का जो पोर्शन है, उसको लाजमन हमने अपने टॉपिक के अंदर ऐड करना। जी रहीमा, रावलपिंडी से रहीमा साहिबा का हैंड रेज है। रहीमा आप क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। रहीमा सुल्ताना जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक सजेशन मेरी तरफ से ये है कि जब हम क्योंकि ये इलेक्शन का साल है, तो जब हम डेमोक्रेसी पे अपना पैनल करें तो हमें चाहिए कि हम हर पार्टी में से पार्लियामेंटेरियन जो वेमेन है उनको हम इनवाइट करें, और खवातीन की जो डिमांड्स हैं और अपने अपने इलाके को देखते हुए खवातीन के हवाले से, तो वो उनके सामने पेश करें और उनसे कहें कि वो अपनी पार्टी के मंशूर में इसको शामिल करवाएं। जी बहुत शुक्रिया। आप कहना चाह रही हैं कि जो मुख्तलिफ पार्टी की खवातीन जो सेशंस के अंदर आए वो उन चीजों को टेक अप करें और पार्टी के मंशूर में शामिल करवाने की यकीन दहानी करवाएं। मंशूर में ये डिमांड शामिल नहीं होंगी तब तक उन पे अमल भी नहीं हो सकेगा। जी जी यकीन जब तक मंशूर के अंदर वो नहीं उनपे बातचीत नहीं होगी, उसका मंशूर का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक आप उनसे जवाबदेही नहीं कर सकते हो कि आपने लिखा हुआ है अपने मंशूर के अंदर, इस पे काम नहीं कर रहे हो। इरशाद सफदर साहब कसूर से हैं। जी इरशाद खुशामदीद, और बात करें आप 2023 की कॉन्फ्रेंस की तैयारी के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम रहीमा। हाँ बहुत शुक्रिया। मैं तकरीबन कोई 4 वेबिनार अटेंड नहीं कर सकी। यकीनन आपको पता भी चला होगा कि मैं उम्रे पे गई जी, थी से वापस आई हूँ, तो आप सब ये नहीं मालूम बहुत मुबारक हो, हमें ये नहीं मालूम था ईशान कि आप उम्रे पे गई बहुत मुबारक। जी जी प्लीज आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने कहा है कि मेरी गैर हाजिरी तो हमें ये लगा था कि आप किसी काम में मसरूफ होंगी। नहीं ये बहुत जरूरी काम था जिसके लिए मैं गई हुई थी, और सब बहनों के लिए खसूसी दुआ की, और हमारी देहाती खवातीन कॉन्फ्रेंस की साथी खवातीन जिनकी वफात हो चुकी है किसी ना किसी हवाले से बीमारी की वजह से, उनके लिए भी मैंने खसूसी दुआ वहां पे की। और खास तौर पे आज के वेबिनार के हवाले से भी मैं बात करना चाह रही थी कि शायद आज का भी वेबिनार मैं ना अटेंड करती, लेकिन टाइम निकालना पड़ा मुझे इसके लिए क्योंकि ये बहुत जरूरी आज का वेबिनार था। तो मेरी मैं हर हमारी साथी खवातीन की राय बहुत काबिले एहतराम है, तो मैं भी छोटी सी एक राय देना चाहती हूँ, उसको नोट भी कीजिएगा। हमारी माशाल्लाह ये बहुत पौधा कॉन्फ्रेंस है जिसमें एक भरपूर तादाद खवातीन की होती है, और इस भरपूर खवातीन की तादाद को बरकरार रखना और एनुअल प्लान में लेके जाना हमारी सबकी मुश्तरका कोशिश होती है। तो इस मुश्तरका कोशिश को आगे ले जाने के लिए हमें प्लानिंग के अंदर कुछ चीजें देखनी है कि जिनकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि हमारे जो बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं, स्टेट बैंक से लेके नीचे तक, उन सब के साथ हमारी जितनी भी बहनें किसी ना किसी हद तक एनजीओस का हिस्सा हैं, उन सब के अकाउंट्स बंद हैं। दूसरे नंबर पे इसको भी हल करने के लिए बैंक से रिलेटेड जो लोग हैं उनका एक सेशन होना चाहिए कि उनके अभी तक कोई भी मसाइल हल नहीं हो रहे अकाउंट से रिलेटेड, ताकि हमारी खवातीन बहनों के जो एनजीओस चला रही हैं उनके मसाइल हल हो सके। दूसरी इसी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड एक और बात कि बैंक के अंदर जितनी भी स्कीमें आती हैं वो खवातीन के लिए मखसूस स्कीम कोई भी नहीं आती। अगर वो आती है तो बहुत मिनिमम 5% भी नहीं होती, तो उस पे भी गौर करने की जरूरत है कि हमारी बहनें जो है ना बैंक से अगर लोन ले लेती हैं या ग्रांट के तरीके से चलती हैं तो वो स्कीमें करने की जरूरत है, जबकि गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीमों का अनाउंसमेंट तो की लेकिन प्रॉपर तरीके से उन खवातीन तक नहीं पहुंच सकी। तो इस पे बात करने की जरूरत है।
इसके साथ साथ गवर्नमेंट के जो छोटे 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 मंसूबे होते हैं, छोटी छोटी ग्रांटें होती हैं, तो उसमें मखसूस कोटा जैसे खवातीन के अदारे या सीबीओज, उनके लिए वो हेड नहीं होता। तो इसमें भी हमें बात करने की जरूरत है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पौधा बहुत मुश्किल से, मुश्किल हालात से, कम फाइनेंस के अंदर जाके ये अपनी कॉन्फ्रेंस हम मुकम्मल करते हैं, और हर वक्त हमें फिक्र लगी रहती है कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे होगा। तो इस पे गौर करने की जरूरत है। तीसरे नंबर पे मैं बात करना मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो रहीमा, जी जी आ रही है आवाज। जी शुक्रिया। उसके अलावा मैं ये चाह रही थी कि हमारी जो खवातीन की, आपका माइक बंद हो गया, और फंडिंग के, जी जी बात करें, फंडिंग के साथ साथ हमें ऐसे अदारों को भी इनवाइट करना चाहिए कि जो खास तौर पे खवातीन से रिलेटेड अदारे या एनजीओ ये सीबीओज बनी है, लेकिन उनकी इतनी वर्थ नहीं है, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। वो एक बड़ी किस्म की ऑडिट रिपोर्टें मांगते हैं, तो जिसकी वजह से वो हम जमा नहीं करवा सकते, और उसकी वजह से हमारी स्मॉल एनजीओज जो है ना, वो फंडिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाती। तो इसमें भी उन अदारों को बुलाने की जरूरत है, सेशन करने की जरूरत है, ताकि हमारी हम खुद से, जैसे कि मैं अगर कसूर से बैठी हूँ तो कसूर के लोगों को लाने के काबिल हो जाऊं, उनके अखराजात उठाने के काबिल हो जाऊं, और वो ऐसा कोई अदारा हमारी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट अगर करे, तो हम अपनी अपनी सतह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तजवीज थी, और फंड रेजिंग के हवाले से हम मुश्तरका तौर पर भी अगर किसी अदारों से मिलना चाहते हैं या जरूरत पड़ती है, तो कहीं भी जरूरत पड़े तो कसूर से मिस इरशाद और बिस्मिल्लाह इरम साहबा, और इसी तरह से उम्मे कुलसूम सियाल, और हमारी बेशुमार बहने आपकी एक कॉल पे इस्लामाबाद हाजिर होने के लिए तैयार हैं। तो नाहिदा बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आपके सारे पॉइंट में नोट कर लिए। कुछ चीजों पे जैसे आपने बात की, इंशाल्लाह उन पे मुतलका महकमों से बात की करने की जरूरत है। और ये मसाइल, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस हैं, उसपे बैंक के जो इश्यूज हैं, वो जगह जगह मुश्किलात हैं, लेकिन उस सब के साथ ही हम और आप सब सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यकीनन इन पे बात करने की जरूरत है। मैक बट साहिबा आई है हमारे साथ मुल्तान से। मैक, आप क्या कहना चाहेंगी, प्लीज बात कीजिए। दो हजार तेईस की देहात की खवातीन की सालाना कॉन्फ्रेंस के ऊपर आपकी क्या इनपुट है, आप क्या बात करना चाहेंगी और मौजू क्या होना चाहिए? अनम्यूट करें मैडम अपना माइक, आपका म्यूट है। मिस मैक बट साहिबा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हम दो लोग बैठ के आपकी कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये जूम की अटेंड कर रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह, कहाँ खड़े हुए हैं? जी अपने ऑफिस में बैठे हैं। अच्छा अच्छा, जी जी प्लीज बात करें। आपके साथ हमारी एक और बहन भी मौजूद है। जी अभी क्योंकि 2023 की कॉन्फ्रेंस के बारे में बात हो रही है। जी मैडम जी, तो मेरा ये ख्याल है कि ख्वातीन की सेहत के हवाले से जो है वो हमें है पेस्टिसाइड जो कंपनियां हैं जो करोड़ों का कारोबार करती हैं, और हमारी दही ख्वातीन जो है उनकी सेहतों पे जो असर पड़ रहा है। तो क्योंकि जिससे ये जो पेस्टिसाइड कंपनियां हैं ये जहरीली अद्वियात जो हैं वो फसलों पे जो उनका स्प्रे होता है, इन फसलों में जो खवातीन काम कर रही है, तो और जो मर्द मजदूर हजरात हैं वो जो स्प्रे करते हैं उनके लिए भी, पहले तो मर्द मजदूर हजरात जो हैं उनके लिए जो ना हिफाजती इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो फराहम करने की जरूरत है, और इसी तरह से उन खेतों में काम करने वाली हमारी जो खवातीन हैं, मजदूर खवातीन, खेत मजदूर, उनको आगाही के अलावा जो है उनको भी ऐसे आलात फराहम किए जाने की जरूरत है जिससे जहरीली अद्वियात के जो असरात से जो है ना वो हमारी खेत मजदूर बहने जो हैं वो महफूज रह सकें। तो हमें जो है 2023 की
कंपनियों के लोगों को भी इनवाइट। दूसरा ये है कि मेरे जो सूबाई सतह पर जब हम, क्योंकि 3 दिन के लिए ये कॉन्फ्रेंस हम कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छी तजावीज सामने और भी आ सकती हैं। ये एक ही जूम मीटिंग जो है, जूम वेबिनार जो है, ना काफी होगा 2023 की कॉन्फ्रेंस के लिए, तैयारी के लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि एक जो है ना वेबिनार और करने की भी जरूरत है कि मजीद कोई तजावीज निकल कर सामने आ सकती हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि 2008 से तो कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर ली है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस तमाम कॉन्फ्रेंस से थोड़ा सा हटके करने की जरूरत है, क्योंकि हम जब मुस्तकिल एक ही तरह से जो है हम काम कर रहे होते हैं तो उसका उसके असरात तो उतने बेहतर नहीं होते। तो थोड़ा सा, क्योंकि हालात के मुताबिक और मुआशरती जो ना हमवारी है उसके मुताबिक, मुआशियत जो ख़राब हो गई है पाकिस्तान की और उसके हवाले से, और जितनी कुदरती आफात आई हैं उनके हवाले से, हालात जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज हैं इस वक्त। तो हमें इस चीज़ को 2023 की कॉन्फ्रेंस को भी थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर मेरी एक तजवीज़ और है कि अगर हम एक और वेबिनार करते हैं इस पर 2023 की कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए, तो उसमें जो है ना आप अभी से चारों सूबों को, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान भी है, पांचों सूबों के लोगों को, वुमेन लीडर जो हमारी हैं, दही खवातीन जो लीडर हैं, उनको जो है वो आप अभी से जिम्मेदारी दे दें, जो हमारी एक्टिव मेम्बरान हैं, जो हमारी एक्टिव वुमेन लीडर हैं, कि वो अपने अपने सूबे के लिहाज से अपनी अपनी एक्टिविटी और इश्यूज, वो पूरा एक हफ्ता उनके पास होगा, तो वो अगले वेबिनार में जो है ना वो उसको रखें, आपस में वो कोऑर्डिनेशन करें, तो फिर वो 2023 की कॉन्फ्रेंस में वो बताएं कि हम जो है ना 2023 की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें हमारा ये जो सूबा है इस चीज पर काम करेगा, और हमें जो है 2 घंटे दे दिए जाएं, 4 घंटे दे दिए जाएं। मेरा ख्याल 2023 की कॉन्फ्रेंस हो सकती है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैं एक बार साहिबा जी, आज आगाज है, यकीनन इस पे दोबारा बात हो सकती है, और आप सब बहनों से ये गुजारिश है कि आप बहुत अहम तजावीज दे रही हैं, अगर आपके पास और भी कोई तजवीज हो तो आप जो है वो व्हाट्सएप कर सकती हैं, हमें ग्रुप में कर दें, सेपरेट मेरे नंबर पे कर दें, रहीमा का नंबर है आपके पास, बीने साहिबा रहीमा का है, मेरा नंबर है, उस पे आप कर दें, ताकि हम उसको नोट डाउन करके कंपाइल करके इन तमाम चीजों को कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग के अंदर एड इन किया जा सके। और मैं अकबर साहबा, जो आपने आपने जो बात की है पेस्टिसाइड की कंपनियों को दावत देने की, यकीनन हम आपसे भी और बाकी बहनों से भी गुजारिश करेंगे कि आप लोगों के काम के हवाले से जहां जहां रवाबत हो उन कंपनियों के नाम भी हमें सेंड कर दें, ताकि उनको फाइंड करके रब्ता किया जा सके, और बहुत अहम कंपोनेंट की तरफ आपने निशानदेही की है। तमाम बहनों से मेरी गुजारिश है कि अपने कैमराज भी ऑन रख लें, और आईटी के जो लोग हैं कि तस्वीर वगैरह का जो है अभी से ले लें, क्योंकि बिल्कुल हमारे पास 6 मिनट बाकी हैं। मुझे 2 और बातें भी आपके साथ करनी है कि एक तो हमने कॉन्फ्रेंस की बात की, हमने ये कुछ पिछली तस्वीर भी आ रही थी मेरे सामने, वो भी आपको दिखाई जा सकती है, एक मोटी मोटी नजर देखें, पुरानी तस्वीरें काफी लोग हमें नजर आएंगे, और 2008 से 22 तक की तस्वीरें, यूथ बच्चे थिएटर्स कर रहे हैं। सो मैं गुफ्तगू भी साथ जारी रखूंगी कि उसमें हमें ये भी देखना है कि हमारी कॉन्फ्रेंस का दौरानिया कितना होना चाहिए, 1 रोज की कॉन्फ्रेंस करनी है, 2 रोज की करनी है, 3 रोज की करनी है, और जो हम उसके अंदर पॉलिसी सेशंस हैं या वर्कशॉप्स का अगर हम जिक्र करते हैं तो उन वर्कशॉप्स के का जो दौरानिया कितना हो, और एक दिन में कितने सेशन होने चाहिए जिनको आप आराम से तसल्ली से अटेंड कर सकें और भरपूर शमूलियत आप लोगों की हो, क्योंकि अगर आप उसमें आप वक्त नहीं देंगे पूरी उस कॉन्फ्रेंस के उस पोर्शन को अटेंड नहीं कर सकेंगे, तो यकीनन जो उसका हम सबके इकट्ठे होने का जो मकसद होता है उसका वो मकसद हासिल नहीं हो सकता। और बेशक ये 3 दिन भी काफी हेक्टिक सिटिंग होती है, मुसलसल मीटिंग को अटेंड करना भी थका देने वाला काम होता है, लेकिन आप लोग लंबे सफर करके आते हो, हमारा भी दिल चाहता है कि आपके साथ बैठ के एंजॉय भी किया जाए, कहीं घूमा फिरा भी जाए। सो उस पे भी आप सब लोगों की तजावीज बहुत अहम होगी। मैं अकबर साहब आपके साथ जो बहने हैं उनकी अगर आप नाम मुझे टेक्स्ट कर देंगी तो बहुत अहम हो जाएगा कि आज के वेबिनार के शुरुआत में इन बहनों की शमूलियत को भी एक्नॉलेज कर लिया जाए। आप सबकी शमूलियत भी बहुत अच्छी लग रही है और इनको
पौधा की तमाम बहनों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम भी कह दीजिए। ये हमारे साथ बच्चा भी मौजूद है जी। हमारे वेबिनार का दौरानिया क्या होना चाहिए, कितना होगा, सॉरी कॉन्फ्रेंस का, एक दिन की करें, बहुत मुश्किल होता है अगर आना, वसाइल भी कम है, दो दिन की करें या तीन दिन की हो, इस पे भी सोच विचार करके कितने दिन की हो और क्यों हो वो जरूर हमें बताइएगा जी। कौन बात करना चाह रही है? मैम मैं कह रही थी कि मीन्स देखें तो इतनी दूर से आए भी फिर प्रॉपर वेबिनार भी अटेंड ना करें तो वो तो डेफिनेटली फिर चीज अच्छी नहीं है ना। अब मीन्स कि सेशन की टाइमिंग थोड़ी आप चेंज कर लें बट डेज को ना आप बेशक कम करें क्योंकि डेफिनेटली एक जब चीज आप जब वेबिनार अटेंड ही करने आए हैं तो डेफिनेटली फिर हमारा बनता है ना कि प्रॉपर हम उसको अटेंड करें और बट उसमें कुछ एक्टिविटीज ऐसी डाली जाए जिससे माइंड भी फ्रेश रहे और हम मतलब फोकस्ड होके वेबिनार भी अटेंड करें बट दिन कम ना करें टाइमिंग कम कर लें बेशक। अच्छा जी, पहली पहली राय तो ये आई है कि मैं तो सोच रही थी कि शायद हम एक रोजा कर दें तो कितना जल्दी जवाब आया कि दिन कम नहीं करने आप लोगों ने उसकी टाइमिंग कम ना एक दिन पूरा बैठे रहेंगे तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा जी। इसमें हमें आप लोगों की राय चाहिए, आप लोग हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल राय दें जैसे बाकी सब बहनों ने दी है, आप भी दें और टेक्स्ट करें, मैसेजेस करें। चैट बॉक्स में ही मैं तमाम चैट को पढ़ नहीं सकी, बहुत से मेम्बरान ने आज मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, आप सबको भी बेहद शुक्रिया और यकीनन आप सब लोगों की राय हमारे लिए बहुत अहम है और आप सब की भरपूर शिरकत से ही अगर हम हफ्तावार मुलाकात को खुशगवार बना सकते हैं तो जो हमारी सालाना मुलाकात है जिसमें हम सब लोग फिजिकली मिलते हैं, बहुत सारे लोग आप लोगों में से मिल पाते हैं, बहुत से नहीं भी आ पाते और बामकसद अपनी उस मुलाकात को रखना चाहते हैं तो प्लीज उसके लिए भी अपनी आराय जरूर दीजिए। सेशंस की तकसीम कैसे होनी चाहिए? अच्छा, डोनर्स कौन कौन सा आपसे समझते हैं कि उन लोगों को भी राबता किया जाए जो आपके भी नेटवर्क में हो, चैम्बर्स हैं आप लोगों के, तो ये तमाम चीजें भी आप लोग हमें जरूर बता सकते हैं। दोबारा से एड्रेस है आमना सरदार साहब का जी, आमना बात कीजिए प्लीज, आमना सरदार गलियात केपीके, पूरे केपीके की नुमाइंदगी आप ही कर रही हैं। अच्छा जी, इस तरह था कि उन्होंने तीन दिन का कहा, मैं ये सजेस्ट करूंगी दो दिन काफी होते हैं क्योंकि एक दिन तो जाहिर है लोगों का ट्रेवलिंग में लग जाएगा जो दूर से आते हैं, सिंध से या बलूचिस्तान से जो ट्रेन पे करते हैं ट्रेवल या बसेस के जरिए आते हैं या अपनी गाड़ियों के जरिए आते हैं तो वो तो एक ट्रेवलिंग का हो जाएगा। एक दिन शाम को कर लें कि जी ट्रेवलिंग हो, उस दिन शाम को एक अच्छा सा वेलकम सबको, गपशप वाला माहौल हो, सारे एक दूसरे से मिले, अगले जो दो दिन हो वो फिर बिल्कुल काम हो और जिस तरह आप लोगों के सेशंस ऑलरेडी हो रहे होते हैं वो बड़े अच्छे हो रहे होते हैं और मैं नहीं समझती कि उनको तब्दील करने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा सा दुरानिया जो है वो एक घंटे का हो जाए जो वक्त हो बीच में, बस उससे ज्यादा मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आपने वक्फे का मैडम क्या बोला, कितना होना चाहिए? दो दिन हो और मेरा तीसरा दिन जो होगा वो ट्रेवलिंग करके लोग आए होंगे तो जी जी दो दिन होने चाहिए और एक दिन गपशप का हो जाएगा कि हम पहले दिन इकट्ठे हो अगर वो मेरा राइट जी। बहुत शुक्रिया आप तमाम बहनों का आज की कॉन्फ्रेंस की तैयारी में जो शिरकत है उस पर हम आपके बहुत मशहूर हैं, आपकी तमाम आरा को नोट कर लिया गया। यकीनन इसके बाद अगले सेशन में इस सारे की नोक पलक आपके साथ मिलके इंशाल्लाह सही करने की कोशिश करेंगे। तलत जाहिद ने अभी हमें ज्वाइन किया है, तलत आपने मेरे ख्याल में काफी देर से आपने अभी हैंड रेज किया, बहुत मुख्तसर बात करें क्योंकि मैं मीटिंग को कंक्लूड करना चाहती हूँ। तन्नत जाहिद साहिबा सियालकोट से हैं, मैडम आप कुछ कहना चाहती हैं 2023 की कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो प्लीज बता दीजिए। जी आप सबकी भरपूर शिरकत का बेहद शुक्रिया। हमारे साथ गलगित से, बलूचिस्तान से, सॉरी सिंध से, केपीके से, तमाम सूबों से खवातीन ने अपनी बहुत अहम राय से हमें नवाजा और 2023 की कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए भरपूर अपनी आरा दी।
और जो अगर आपके पास मजीद कोई पॉइंट रह गया हो तो उसको लाजमन हमारे साथ शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, ताकि हम उसको कंपाइल कर सकें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी तजवीज मैक बट साहबा, ये बहुत अच्छी है कि दोबारा से इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बातचीत की जाए, लेकिन अगले हफ्ते में नहीं हो सकेगी इंशाल्लाह, कुछ दिनों के बाद बेशक मार्च में से ही हम दोबारा इसके साथ मार्च या अप्रैल में आप लोगों की मशावरत से फिर प्लान कर लेंगे। पौधा पाकिस्तान की तरफ से आप सबको का बहुत शुक्रिया। जी जी फिजा कमल जी फिजा, मैं ये चाह रही थी कि जो कॉन्फ्रेंस होगी ना तो उसमें हमारी जो ये वेबिनार्स हुए हैं ना इनका एक मेन आइडिया जो आप निकाल लीजिए समराइज करके, अगर हम वो उसका दे देना तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हमने इतनी ज्यादा एफर्ट्स जो किए हैं, जो इतने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इतना ज्यादा अवेयरनेस हुआ है उसकी वजह से, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा फिर। बहुत शुक्रिया फिजा, यकीनन इसको भी हम ऐड करेंगे, आपकी राय का बेहद शुक्रिया। खुदा हाफिज, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, सिंधु आवासी के साथ मुलाकात होगी हमारी सिंध से। ठट्ठा से खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।